अजय शेरावत आपसे, क्योंकि हम यही कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव ना बना दिया जाए बड़े बड़े चेहरों के पीछे, तो मैं तो बड़ा सिंपल सा सवाल आपसे पूछ रहा हूं आज, क्योंकि आप अपना संकल्प पत्र जारी करने जा रहे हैं, ये माने कि अब अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो ये कूड़े का पहाड़ जो आप 15 सालों से नहीं हटा पाए हैं, दावे कर रहे हैं 10 मीटर 20 मीटर के, अगली बार हमें नहीं दिखेगा? देखिए, मैं पहले तो साफ कर दूं, जो लैंडफिल साइट है उसे बार बार कूड़े का पहाड़ इस तरह से बोला जाता है जैसे वो किसी गली मोहल्ले के अंदर हो। वो लैंडफिल साइट डेजिनेटेड साइट है, वो आम आदमी पार्टी के पैदा होने से पहले की साइट है। जब आम आदमी पार्टी पॉलिटिक्स में आई भी नहीं थी तब से पहले की साइटें हैं, जब बीजेपी और दिल्ली में एमसीडी बनी भी नहीं थी तब की साइटें हैं। आज उसके ऊपर ऑलरेडी क्रॉलर और मशीन्स के थ्रू काम चल रहा है, उसके ऊपर ऑलरेडी ड्रोन टेक्नोलॉजी से उसकी मॉनिटरिंग चल रही है। 15 साल से आप सत्ता में नीचे जा चुकी है, आपको फिर बता रहा हूँ, आप सुन लीजिए, मैं 20 मीटर वो ऑलरेडी नीचे जा चुकी है क्योंकि पहले इतनी हाई टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज अगर आप वहां पर किसी भी साइट पर चले जाएंगे तो आपको काम होता हुआ दिखेगा उनको नीचे करते हुए। हर दिन 7,000 मीट्रिक टन के हिसाब से हम उस कंपोस्टर को, उस ऑर्गेनिक वेस्ट को, उस इनऑर्गेनिक वेस्ट को हम कम करने में कामयाब हो पा रहे हैं। आने वाले समय में और हाई टेक्नोलॉजी यूज करके हम उसको कम करने का काम करेंगे। रही बात एमसीडी के कामों की, पिछले 15 साल से भाजपा एमसीडी में काम कर रही है, चाहे वो पार्क मैनेज करने का काम हो, चाहे एमसीडी स्कूल्स मैनेज करने का काम हो। 9 बड़े अस्पताल एमसीडी चलाती है, टीबी के सेंटर एमसीडी चलाती है, 123 डिस्पेंसरी एमसीडी चलाती है, 123 प्रजनन वार्ड चलाती है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी लोगों से जुड़ी हुई सुख सुविधाएं हैं, चाहे वो स्ट्रीट लाइट का मुद्दा हो, छोटी गलियों का मुद्दा हो। एक छोटे से बजट की, अगर हम केजरीवाल के सामने अपना बजट देखें तो हम तो छोटे से बजट की एक एमसीडी चलाते हैं, उसके सामने 70,000 करोड़ के अमीर बजट वाली विधानसभा की मुख्यमंत्री की सरकार जो रहती है, मुझे लगता है आज उनका मॉडल दिल्ली डेवलपमेंट मॉडल टाइम टाइम फिश हो गया है। इसलिए आज वो उस दिल्ली डेवलपमेंट मॉडल की बात नीचे जमीन पर करना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए आज उनको विक्टिम कार्ड खेलना पड़ा है। मेरी तो हत्या का आरोप चल रहा है और ये चल रहा है, तो मुझे लगता है बड़ा शर्मनाक चेहरा है। एक मंत्री जेल में है, एक अक्यूज्ड है, और मुख्यमंत्री कह रहा है जी मेरी हत्या की प्लानिंग चल रही है, तो मुझे लगता है ये शर्मनाक चेहरा एमसीडी में जो ठीक है। मेरे पास समय की कमी है, मैं एक बार फिर डॉक्टर अजय उपाध्याय का भी, अजय उपाध्याय जी आखिरी 30 सेकंड रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए भाई साहब, जो कह रहे हैं टेक्नोलॉजी इन्होंने जरूर यूज की है एमसीडी के लिए और कूड़े के पहाड़ को कम करने के लिए, लेकिन उसका नाम है जुगाड़ टेक्नोलॉजी। भाजपा के पास बहुत आजकल है, उसकी ऊंचाई के बदले चौड़ाई इन्होंने बढ़ा दी है, हाल लेकर रखा है। जनता को क्यों मूर्ख समझते हो भैया? और जो हालात है आपकी, आपके समय से उनका भी जैसे जैसे चुनाव आएगा अरविंद केजरीवाल और इनकी पार्टी के लोग जो है यही विक्टिम कार्ड खेलेंगे, जनता के मुद्दे को जो है भटकाना चाहते हैं। अरे भैया, जनता का जो मुद्दा जिस चुनाव में जो होना चाहिए वो हो। एमसीडी में यदि सड़क बिजली पानी है तो वो होना चाहिए, गुजरात के चुनाव में, हिमाचल के चुनाव में यदि लोगों को रोजी रोजगार का प्रश्न है तो वो होना चाहिए, लेकिन ये लोग गोल गोल घुमा रहे हैं। जनता समझ रही है इस बार, दोनों जगह से देखिएगा, ठीक है? इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ इस चर्चा को विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब सवाल यह है कि दिल्ली की जनता क्या गोलमोल घूमेगी? गोलमोल घुमाया जा रहा है, ये सड़क एमसीडी की नहीं है, ये विधानसभा केजरीवाल के अंडर आती है। केजरीवाल कहते हैं ये एमसीडी के अंडर आता है। केंद्र सरकार की भूमिका क्या होती है? ये देश की राजधानी है, और जब कोई दिल्ली में एंटर करता है चंडीगढ़ की तरफ से तो उन्हें जाहिर सी बात है वो कूड़े का पहाड़ नजर आता है। क्या वो संदेश देता है? क्या हमारी दिल्ली कब साफ होगी? क्या दिल्ली में सियासत छोड़कर हत्या, आत्महत्या, ये सारी चीजें खत्म होकर दिल्ली में विकास का काम होगा? ये आपको तय करना है। कौन कर रहा है, कौन कर सकता है, ये आपका वोट तय करेगा, आपकी सोच तय करेगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे, देखते रहिए News 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।